हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी का जो मेन एग्ज़ाम है 17, 18, 19 तारीख में, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करना चाह रहे हैं, जिसमें कि परीक्षार्थियों के लिए जो टाइम है 90 मिनट, 90 मिनट आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। इन 90 मिनटों में हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम में बेसिकली पूछी जाएंगी। 40 नंबर की GK, 40 नंबर का मैथमेटिक्स और 40 नंबर की रीजनिंग। इसके सिलेबस पर गौर करें तो GK में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, अवार्ड, बुक। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की जनरल अवेयरनेस और मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन में यह है कि उसमें आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये कहाँ से, हिस्ट्री से पूछा गया, ज्योग्राफी से पूछा गया या इकोनॉमिक्स से पूछा गया। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब हमारे पास 40 GK का क्वेश्चन है, 40 में से आपका लक्ष्य होना चाहिए कम से कम 32 से 35 क्वेश्चन आप सही करें और नेगेटिव मार्किंग से बचें। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सामान्य दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें और कम से कम 32 से 35 क्वेश्चन आप करें, और इसके लिए कम से कम आपको, जैसे 90 मिनट्स का है तो कम से कम 15 मिनट में आपको ये चीज़ ख़त्म कर देनी है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि GK आपको 15 मिनट में करना है, आपके पास समय है बचा 75 मिनट। 75 मिनट में 40 मिनट को आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देने और 35 मिनट आपको रीजनिंग को देने। मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स सिलेबस को हम देखें तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, LCM, SCF, टाइम एंड वर्क, SICI, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा सेट्स, मीन, मीडियन, मोड, मेंशुरेशन और ज्योमेट्री के क्वेश्चनों का समावेश होगा। और इसमें 40 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल के, जिसमें कि आपको 32 से 35 नंबर, क्योंकि एक सीट पर 15 लोगों का कड़ा मुकाबला है, तो 32 से 35 क्वेश्चन आपको सही ही हर हालत में करने ही हैं। आगे हम आते हैं अब रीजनिंग के पोर्शन पर, जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 35 मिनट में आपको कम से कम हर क्वेश्चन रीजनिंग करना है। दोस्तों, कोशिश करिएगा इस सेगमेंट में और GK के सेगमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प करने। मेरे ख्याल से इसमें अगर आप 35 से 38 क्वेश्चन का टारगेट बनाएं तो काफ़ी इजी है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्शन पूछे जाते हैं, एनालॉग की, अल्फा बैट से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइस, कैलेंडर और इसके अलावा सिंबल प्रॉब्लम टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इसमें इमेज और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें पजल आ सकती है, वो पजल आपकी सर्कुलर भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा, कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आपको ऑल ओवर 120 में से कम आपको जो एक सीट पर 15 लोगों का आंकड़ा है, इसके हिसाब से मेरे ख्याल से 110 क्वेश्चंस के आसपास सही आपको करने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में इसी के संग करता हूँ, एक नए विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे।